So we have studied two river system, Indus river system and the Ganga river system, and now we are going to look at the Brahmaputra river system. Okay. Now let's have a look. Brahmaputra river system, it rises in east, it rises in Tibet, east of Mansarovar lake. Okay, so Mansarovar lake se abhi humne padha kaun si ek aur lake rise hoti hai, that is Indus, right? So it rises, very close to Indus, the Brahmaputra river rises in the Tibet east of Mansarovar lake. So kaun si do river मानसरोवर के पास से राइज होती है? इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, एंड इट्स इजी टू रिमेम्बर आई गेस. सो आर ब्रह्मपुत्र रिवर इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंदस एंड इट फ्लोज मेजरली आउटसाइड इंडिया. सो लेट्स हैव अ लुक. हियर वी हैव आर सांगपो रिवर. सांगपो रिवर, सांगपो इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना. ठीक है, तो चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? सांगपो रिवर. ठीक है, तो यहां से राइज हुई मानसरोवर लेक के ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, एंड देन ब्रह्मपुत्र फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द हिमालयाज. ओके, फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयाज ईस्टवर्ड. वी हैव सीन दैट हिमालयाज रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट, वेस्ट टू ईस्ट. एंड वी हैव अगेन, वी कैन सी हियर दैट द रिवर सांगपो इज ऑल्सो running parallel to the Himalayas eastward, okay, west to east, right? So Brahmaputra river flows parallel to Himalayas eastward, and on reaching Namcha Barwa, which is a peak, very high peak, okay, 7,557 meter, Namcha Barwa par pahunchne ke baad jo Brahmaputra river hai wo leti hai ek U-turn, okay, U-turn लेती है, and then it enters India through अरुणाचल प्रदेश. U-turn लेकर कहाँ enter होती है? अरुणाचल प्रदेश में. okay, तो नामचा बरवा जो कि अराउंड 7,757 meter है, वहां से ब्रह्मपुत्र U-turn लेती है, and it enters India through अरुणाचल प्रदेश. यहां पर ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दिहांग. ओके, दिहांग इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हियर इन अरुणाचल प्रदेश, एंड इट इज जॉइंड बाय द दिबांग. दिबांग इज अ ट्रिब्यूटरी. दिहांग इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हियर एंड दिबांग इज अ ट्रिब्यूटरी. ओके, दिहांग एंड दिबांग, इट्स प्रिटी कूल ऑल्सो द नेम, राइट? सो दिहांग, लोहित एंड अदर ट्रिब्यूटरीज जॉइन ब्रह्मपुत्र वेयर अरुणाचल प्रदेश में, जब ब्रह्मपुत्र एंटर कर जाती है उसके बाद. नाउ ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश. ये भी हम देख चुके हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? सांगपो, और बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना. ओके, सो वी हैव सीन यू नो डिफरेंट नेम्स लाइक मेघना, पद्मा एंड जमुना, सांगपो. विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दैट, राइट? सो इट्स ईज. सो अभी हम मैप में ब्रह्मपुत्र का कोर्स देखते हैं. यू कैन सी हियर लोहित, राइट, वन ऑफ अ ट्रिब्यूटरी अभी हमने पढ़ा, और यहां पर है ये ब्रह्मपुत्र का कोर्स. यू कैन सी हियर, एंड देन यहां पर ब्रह्मपुत्र इज जॉइनिंग दिस गंगा, एंड यहां पर आप पद्मा लिखा हुआ देख सकते हो. पद्मा इज द नेम ऑफ द गंगा इन इन बांग्लादेश, एंड यहां पर व्हेन गंगा और जॉइन, गंगा इज जॉइनिंग ब्रह्मपुत्र, वी कॉल इट मेघना. ओके, सो यू कैन सी हियर, राइट? सो दिस मैप कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र. नाउ बिकॉज तिब्बत इज कोल्ड एंड ड्राई, ओके, बिकॉज तिब्बत इज कोल्ड एंड ड्राई, द रिवर कैरीज लेस वॉटर एंड सिल्ट. क्यों? क्योंकि तिब्बत जो है वो कोल्ड तो है बट ड्राई है. तिब्बत क्या है? लद्दाख पर्टिकुलरली, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, राइट? सो तिब्बत इज कोल्ड एंड ड्राई, एंड दिस इज द रीजन ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज लेस वॉटर एंड लेस सिल्ट. ओके, इस रीजन में. लेकिन जब नामचा बरवा से टर्न लेके इट एंटर्स इंडिया, राइट, तो क्या होता है?
क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में बारिशें बहुत होती हैं, रेनफॉल बहुत होती है, तो इन रेनफॉल की वजह से जो ब्रह्मपुत्र है उसको वाटर मिल जाता है और वो और बड़ी हो जाती है रिवर. ओके, सो इन इंडिया अपॉन पासिंग द रेनफॉल रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच इज जहां पर काफी बारिश होती है, द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट. ओके, दिस इज इजी टू रिमेंबर. द एरिया हैज अ ब्रेडेड चैनल एंड फॉर्म्स मेनी रिवरीन आइलैंड. सो हमने अभी देखा कि रिवरीन आइलैंड क्या होते हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. एक बार रिकैप के लिए, रिवरीन आइलैंड मीन्स हेयर इज योर रिवर, एंड रिवरीन आइलैंड मीन्स द आइलैंड दैट इज सराउंडेड बाय द रिवर वाटर. सो ये हो गया रिवरीन आइलैंड. ओके, अब ब्रेडेड चैनल क्या होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती है. ब्रेडेड चैनल मीन्स अ नेटवर्क ऑफ रिवर, अ नेटवर्क ऑफ रिवर, और वहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं वो उस नेटवर्क को सेपरेट करते हैं. मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक पिक्चर दिखाती हूँ. कैन यू सी हियर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रेडेड चैनल, यानी कि यहाँ पर रिवर का एक नेटवर्क है, बट इट इज सेपरेटेड बाय स्मॉल, हियर यू कैन सी स्मॉल आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड. सो यू कैन सी हियर, ये हो गया, या फिर ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया. सो यू नो एक ब्रेड बन रही है, राइट, एक चैनल बन रहा है. सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ रिवर दैट इज सेपरेटेड बाय स्मॉल temporary islands. You got it? Okay. So Brahmaputra jo hai, it forms a braided channel and many riverine islands. Riverine islands ka matlab hum pehle samajh chuke hain. Okay. So do you remember from chapter number 1, world's largest riverine island formed by Brahmaputra. So which is the world's largest riverine island? Hum pehle pad chuke hain Majuli. Okay, where is it? It is in Assam, right? So every year during rainy season, the river overflows. जब बारिश होती है तो रेनी सीजन में और बारिशें होती हैं, तो उसमें रिवर क्या होती है, ओवरफ्लो कर जाती है, जिसकी वजह से असम और बांग्लादेश में फ्लडिंग हो जाती है. ओके, तो ऑलरेडी जब इंडिया में एंटर होती ब्रह्मपुत्र, इट हैज ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूमिनस. Why? Because of the rainfall. But during the rainy season, the river overflows and flood what region? Assam particularly and Bangladesh. Okay. Unlike other North Indian rivers, Brahmaputra has lots of silt on its bed. So, जो North Indian rivers हैं, India के North में जो rivers हैं, उनमें इतना silt नहीं होता है, लेकिन Brahmaputra has lots of silt on its बेड. ओके, नाउ हमने हिमालयन रीजन की, यानी कि हिमालयन रिवर सिस्टम की तीनों रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र. हमने उनकी लोकेशंस को देखा. अब हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में. ओके, नाउ पेनिनसुलर रिवर्स, आपको आइडिया के लिए बता दूं कि पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ होती हैं, इंडिया के सदर्न पार्ट में, सदर्न पोर्शन में, राइट. फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस यू कैन सी हियर इंडियन द पेनिनसुलर रिवर्स दैट आर लाइंग हियर. सो हियर आर लॉट्स ऑफ रिवर्स, ओके, सदर्न इंडिया में. और अब हम इन रिवर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. अच्छा, अगर आपको भूल हो जाती है कि वेयर इज अरबियन सी, विच साइड एंड विच साइड इज बे ऑफ बंगाल, तो यू कैन रिमेंबर व्हेन वी आर राइटिंग ए बी सी डी. सो वी आर राइटिंग ए फर्स्ट, देन बी, देन सी. सिमिलरली ए फॉर अरबियन फर्स्ट, ओके, ए फॉर अरबियन फर्स्ट एंड देन बी, बी फॉर बे ऑफ बंगाल. ओके, सो यू वॉन्ट बी गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन the sides of Arabian Sea and Bay of Bengal. So here A and B, okay, Arabian Sea and Bay of Bengal. Okay, now kuch rivers jo peninsular rivers hain wo zyada tar kahan drain hoti hain, wo Bay of Bengal mein drain ho jati hain jaakar. Aur wo kaun kaun si rivers hain, jisse ki example Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi, and they form deltas at their mouth, ye bhi humne dekha tha. Okay, so most of the major rivers flow eastward and drain into the Bay of Bengal. Okay, this side Bay of Bengal. Okay,
द राइट हैंड साइड दिस इंक्लूड्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ओके, यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टाज एट देयर माउथ. ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, और हम ये देख चुके हैं और हमने जूम करके भी देखा था कि सी दिस इज महानदी एंड दिस इज फॉर्मिंग अ डेल्टा हियर. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट? नाउ आई एम रेजिंग लाइन सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर लुक ऑन द मैप. ओके, यू कैन सी गोदावरी, कृष्णा सिमिलरली वो भी इस तरह से डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं. ओके, नाउ न्यूमरस स्ट्रीम्स फ्लो वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट. ऐसा नहीं है कि सारी ही स्ट्रीम्स या सारी ही रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं. ऐसी भी रिवर हैं जो कहाँ पर अरबियन सी में ड्रेन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, दो रिवर का आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है, नर्मदा और तापी. नर्मदा हेयर एंड तापी हेयर, यू कैन सी ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती हैं एक दूसरे के. नर्मदा इज लॉन्गर देन तापी एंड इट ड्रेन्स इनटू द अरबियन सी. ओके, एंड बट इसके अलावा भी यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, राइट? वेस्टर्न कॉन्टिन्यूस हैं जो के, तो यहाँ पर भी कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, और यहाँ से ओरिजिनेट होके कहाँ ड्रेन हो जाती हैं, अरबियन सी में. ओके, नाउ न्यूमरस स्ट्रीम्स फ्लो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. एग्जाम्पल, अब क्या एग्जाम्पल है उन रिवर्स के जो के वेस्टर्न घाट से निकलकर वेस्ट में अरबियन सी में ड्रेन हो जाती हैं? द एग्जाम्पल इज पेरियार, भारतपुजा, नेत्रावती, मंडोवी एटसेट्रा. और इसके अलावा भी और भी रिवर्स हैं. ओके, सो दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, दैट इज अरबियन सी. ओके, नाउ नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर दैट फ्लोज westward and forms estuaries. Estuaries भी हमने बताया था कि क्या होता है. Estuary means the region where the fresh water of the river and the salt water of the river mixes, और वहां पर एक brackish water बन जाता है. Okay, तो जो नर्मदा और तापी है they are the only long river that flows westward, यानी कि अरबियन साइड और अरबियन सी की साइड, और दे फॉर्म एस्टुएरीज. और जब हम बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेरेनियल पेनिनसुलर रिवर्स, दे आर स्मॉल. ओके, सो ड्रेनेज बेसिन जो है पेनिनसुलर रिवर्स का वो स्मॉल है कंपैरेटिवली टू द हिमालयन रिवर्स, विच जिनका ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, एंड यू हैव सीन ऑल्सो, राइट? तो कंपैरेटिवली टू हिमालयन पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो काफी छोटा है. ओके, अब हम एक एक रिवर के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में, नर्मदा बेसिन के बारे में. नर्मदा रिवर राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स. अमरकंटक हिल्स कहां पर है? मध्य प्रदेश में. ओके, मध्य प्रदेश में ये नर्मदा राइज करती है, ओरिजिनेट होती है, एंड देन इट फ्लोज वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली. ओके, फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग रिफ्ट वैली. अब ये रिफ्ट वैली क्या होती है? जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो प्लेट्स दूर चली जाती है तो बीच में क्या होता है, अर्थ में क्रैक आ जाता है. ठीक है, अब उस क्रैक की वजह से क्या फॉर्म होता है? उस क्रैक की वजह से फॉर्म होती है हमारी रिफ्ट वैली. कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन? जैसे एक प्लेट क्या हो गई, एक प्लेट तो हो गई हमारी ये वाली साइड, वन प्लेट इज दिस साइड, राइट? एंड अनदर प्लेट इज फॉर एग्जाम्पल दिस साइड. अब ये दे आर गोइंग अपार्ट. ओके, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये बीच में क्या, एक गड्ढा बन गया है ना. तो अब ये जो गड्ढा है हम इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली. ओके, रिफ्ट वैली, राइट? सो राइजेस नर्मदा बेसिन राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश एंड इट फ्लोज वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली विच फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग. जो कि फॉल्टिंग की वजह से, फॉल्टिंग मतलब अर्थ में क्रैक आ जाना. जब प्लेट्स दूर जाती हैं या क्रस्ट दूर जाती है तो अर्थ में क्रैक आ जाता है. और सिर्फ प्लेट्स के दूर जाने की ही वजह से नहीं, कई सारे टेंशनल फोर्सेस भी हो सकते हैं. जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो भी क्रैक आ जाते हैं, तो उनसे फॉल्टिंग होती है, यानी कि क्रैक आ जाता है. तो
ये किसी भी वजह से कई सारी वजह से हो सकता है। तो रिफ्ट वैली की अगर हम बात करें, रिफ्ट वैली का सिंपली मतलब ये हो गया कि दो प्लेट्स जब दूर गई तो नीचे एक वैली बन गई, एक गड्ढा बन गया, डिप्रेशन बन गया लंबा सा, और हम उसको कहते हैं रिफ्ट वैली। और जो हमारी नर्मदा है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। कैन यू सी दिस दिस रेंज राइट? यहां पर ये और एक यहां पर, ये दो ब्लॉक हो गए ना। अब इन ब्लॉक्स के बीच में ये लैंड है, ये ब्लॉक्स हैं, और इन ब्लॉक्स के बीच में रिफ्ट वैली में क्या फ्लो कर रही है? नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। ओके, सो यू कैन सी हियर नर्मदा रिवर। ओके, एंड इट इज फ्लोइंग दो ब्लॉक्स के बीच में, राइट? सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज फीचर लाइक रिफ्ट वैली एंड दीज ब्लॉक, ये ब्लॉक माउंटेन्स भी बोलते हैं। जब नीचे वैली बन जाती है, किसी फॉल्टिंग होती है, तो ये ब्लॉक होते हैं, और जो नीचे पार्ट धस जाता है या बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड वैली, और ये फिर साइड में ब्लॉक्स होता है। ओके, तो यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन नर्मदा रिवर फ्लोइंग इन अ फ्लोइंग बिटवीन टू ब्लॉक्स इन अ रिफ्ट वैली। ओके, सो नर्मदा रिवर जो है वो काफी सारे पिक्चरिस्क व्यूज भी बनाती है, और वो पिक्चरिस्क व्यू फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें तो मार्बल रॉक्स हो गए नियर जबलपुर एंड धुआधार आर सम ऑफ द नोटेबल पिक्चरिस्क लोकेशंस। ओके, ब्यूटिफुल लोकेशन, पिक्चरिस्क लोकेशन। ऑल नर्मदा ट्रिब्यूटरीज आर शॉर्ट एंड जॉइन, जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्यादातर शॉर्ट हैं, छोटी हैं इन देयर कोर्स, एंड दे जॉइन्स नर्मदा ऑलमोस्ट एट द राइट एंगल, विच मीन्स 90 डिग्री और परपेंडिकुलर एंगल, एंड दे कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो आपका नर्मदा रिवर है ये कौन से पार्ट्स कवर करती है? मध्य प्रदेश और गुजरात। यू गॉट इट? मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द टू स्टेट्स जो के नर्मदा रिवर के बेसिन में कवर होते हैं। ओके, कैन यू सी, यू कैन ऑल्सो सी, हैव अ लुक एट दिस मैप, और आप देख सकते हैं कि हेयर वी हैव नर्मदा, हेयर वी हैव तापी, एंड हेयर वी हैव आर स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सो ये अगर आपको लोकेशन याद है तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि ये कहाँ पर और कौन से स्टेट में लाई करती हैं। नाउ तापी बेसिन, तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, हमने अभी तापी की लोकेशन भी देखी थी, यहाँ पर, यहाँ पर वी हैव तापी हियर। तो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में तापी ओरिजिनेट होती है, कहाँ से? सतपुरा रेंजेस से। एक बार हम जल्दी से सतपुरा रेंजेस भी देख लेते हैं। Can you see on your screen Satpura ranges? Here we have Satpura ranges. Okay, so यहां से क्या originate होती है, किसका rise होता है? Tapi river का। Okay, so Tapi river originate और rises in the Satpura ranges where Betul district of Madhya Pradesh, and then it flows in a rift valley parallel to Narmada. तो Narmada river की तरह जो Tapi river है वो भी rift valley में flow करती है। Okay, now जो तापी रिवर है दैट इज शॉर्ट, इट इज शॉर्टर देन नर्मदा, हालांकि पैरेलल फ्लो करती है, वी हैव सीन द लोकेशन, बट अगर हम कोर्स की बात करें तो जो तापी रिवर है वो नर्मदा रिवर से शॉर्ट है। ओके, सो तापी रिवर कवर्स पार्ट्स ऑफ एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, अब हम कैसे याद रखें कि तापी रिवर कौन से स्टेट से गुजरती है, या फिर कौन से स्टेट्स, तापी रिवर का ड्रेनेज बेसिन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? तो लेट्स हैव अ लर्निंग ट्रिक। ओके, सो वी हैव अ लर्निंग ट्रिक दैट इज टैप मी एंड गो महाराष्ट्र। ओके, सो टैप मीन्स तापी, एम मीन्स मध्य प्रदेश, जी मीन्स गुजरात, एंड महाराष्ट्र मीन्स महाराष्ट्र, राइट? सो दीज आर, यू कैन रिमेंबर विद दिस लर्निंग ट्रिक, और यू कैन फॉर्म वन ऑफ योर ओन ट्रिक, ओके, टू रिमेंबर दीज स्टेट्स। ओके, टैप मी एंड गो महाराष्ट्र, राइट? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द गोदावरी बेसिन। डू यू नो गोदावरी बेसिन इज सो लॉन्ग दैट इट इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा ऑफ सदर्न इंडिया। ओके, सो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस, विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा और विच इज द सदर्न गंगा? गोदावरी रिवर। ओके, सो
गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, ओके, दैट इज द गंगा ऑफ द साउथ, ओके. इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट के स्लोप से राइज होती है और कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में. और इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है एंड इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. लेट्स हैव अ लुक एट द रिवर. कैन यू सी गोदावरी हियर? यस, हियर वी हैव गोदावरी राइजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड देन इट फ्लोज हियर द होल कोर्स एंड देन इट ड्रेन्स इन टू द बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग अ डेल्टा एट द माउथ. ओके, सो इट ड्रेन्स इन टू द बे ऑफ बंगाल. नाउ ड्रेनेज बेसिन इज लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर. जो ड्रेनेज बेसिन है दक्षिण गंगा का यानी के गोदावरी रिवर का, वो क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ा है. अबाउट 50% बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र. डू यू नो के गोदावरी बेसिन का 50% एरिया लाइज इन महाराष्ट्र. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. अराउंड 50% एरिया. ओके, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आर कवर्ड. सो दिस दीज आर द स्टेट्स विच आर कवर्ड अंडर द ड्रेनेज एरिया ऑफ गोदावरी बेसिन. ओके, अब कैसे याद रखा जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि गोदावरी बेसिन कवर करती है? तो इफ यू आर गिवन अ चांस टू एक्सप्लोर महाराष्ट्र, इफ यू आर गिवन अ टिकट टू गो महाराष्ट्र, तो वॉट यू विल से? Oh God, me in Maharashtra. So this is what we are. This is just for the sake of learning the states that are covered by the drainage basin of Godavari. So O means Odisha. God means O Godavari. M means Madhya Pradesh. And means Andhra Pradesh. Maharashtra means Maharashtra. Okay. So इस तरह से आप याद कर सकते हैं जो जो गोदावरी बेसिन के स्टेट्स हैं जो गोदावरी बेसिन कवर करती है. सो ओ गॉड मी एंड महाराष्ट्र. यू कैन फॉर्म योर ओन लर्निंग ट्रिक एज वेल, बट दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. ओके, नाउ पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैन गंगा एंड पैन गंगा, दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी बेसिन ऑफ गोदावरी रिवर. एंड दीज लास्ट थ्री, मांजरा, वैन गंगा एंड पैन गंगा, दीज आर वेरी लार्ज एक्चुअली. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. वैन गंगा, पैन गंगा, ये तो याद ही हो जाएगा, सेम नाम है. ओके, एंड यू नो यू हैव एक और ट्रिक याद करने के लिए कि गंगा हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा. ओके, गोदावरी को क्यों? क्योंकि बहुत लंबी है और इसमें भी गंगा नाम आ रहा है, वैन गंगा एंड पैन गंगा. तो आप इससे याद रख सकते हो कि वैन गंगा, पैन गंगा मीन्स द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सदर्न गंगा. व्हाट इज इट? दक्षिण गंगा. व्हाट इज इट? गोदावरी रिवर. ओके, सो वैन गंगा, पैन गंगा एंड पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, यू कैन फॉर्म वन ऑफ योर ओन ट्रिक to remember these names, the names of these tributaries, and this is important to remember for the sake of your exams or competitives. Now let's move to the Mahanadi basin. Okay, Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh. Okay, छत्तीसगढ़ कहाँ है? मिडिल इंडिया में, इंडिया के मिडिल पार्ट में छत्तीसगढ़ है. एंड वील हैव अ लुक where is Mahanadi? Okay, and it flows through Odisha to reach Bay of Bengal. Let's have a look here. Okay, can you see on your screen कहाँ Mahanadi originate होती है? Okay, here is Mahanadi. Can you see this? Okay, and then it is draining itself into the Bay of Bengal. ओके, और बे ऑफ बंगाल से पहले कहां पर फ्लो कर रही है? ये कौन सा स्टेट है? दिस इज उड़ीसा. ओके, सो व्हाट वी हैव हियर, राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में राइज करती है और बहती कहां है फिर? उड़ीसा. एंड देन इट रीच बे ऑफ बंगाल एंड इट ड्रेन्स इटसेल्फ. ओके, सो इट इज अराउंड 860 किलोमीटर लॉन्ग एंड ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा.
ओके अब ये कैसे हम नाम याद करें, तो यू कैन से यू माइट हैव हर्ड दिस यू नो बिलियनेयर फ्रॉम चाइना जैक मा, राइट? सो वी कैन हैव वी कैन कनेक्ट इट विद दिस विद इट. सो ओ जैक मा, ओ मीन्स उड़ीसा, जे मीन्स झारखंड, सी एच मीन्स छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एंड एम मीन्स महाराष्ट्र. Isn't it very easy to remember, right? So you can remember इस trick से ओ जैक मा from the drainage basin, the states that share the drainage basin of the Mahanadi basin, okay? Or the Mahanadi river. Now let's move to the Krishna basin. Krishna river rising from a spring near Mahabaleshwar. एक बार हम देखेंगे कहां पर है ये. Flows for about 1400 किलोमीटर, यानी कि ये महानदी से तो बड़ी है. महानदी is 86 किलोमीटर, but Krishna is 1400 किलोमीटर and it drains into the Bay of Bengal. और मुझे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको ये पता होगा कि ये जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, ये कहाँ पर डेल्टा बनाती हैं? The eastern side में, okay? बे ऑफ बंगाल साइड में अपने आपको ड्रेन करती है. देन वी हैव टुंगा भद्रा, कोयाना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, दीज आर सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा बेसिन. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक इन द मैप. ओके, हियर वी हैव कृष्णा. कैन यू सी हियर द नेम, राइट? कृष्णा. So you can see the river course as well, and you can see they are making a delta and draining themselves into draining itself into Bay of Bengal. Bob, it's not Bob, it's Bay of Bengal. Okay. So Tungabhadra, Koyana, Ghat Prabha, these are the important or some tributaries of the Krishna basin, and its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Now you have a work to do. Mujhe ye sab state name yaad nahi hote, so your work is to think of some cool trick to remember these state name and comment down, okay? So this is Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh, okay? But it is very easy to remember as well, because there are only three states and we already know the location of these rivers, so it is easy to remember, isn't it? Okay, now let's move to the Kaveri basin. Okay, so Kaveri basin is your last peninsular river, okay, that we'll be studying about. So it rises in the Brahmagiri range of Western Ghat. तो आपने देखा ना, Western Ghat से कितनी सारी river originate होती हैं. तो जब हम बात करते हैं Kaveri river की, Kaveri river rises in the Brahmagiri range of Western Ghat and then reaches Bay of Bengal, okay? Bay of Bengal in south of Cuddalore, Tamil Nadu, and it is 760 kilometer long. Okay, let's have a look at the Kaveri river in the map. So can you see here Kaveri river? And you know, again I would like to bring your focus on the delta that it is forming. See, this is the delta that it is forming, okay? The Kaveri river is forming, and here we have the Kaveri river, okay? So you can see, okay, it rises in the Cuddalore district of Tamil Nadu, and then it again drains into the Bay of Bengal, okay? And it is 760 kilometer long. The main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini, okay? Now the basin covers the states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. See, it is very easy to remember. Why? Because we already know, हम ये तो जानते हैं कि Cuddalore district of Tamil Nadu में originate होती है. और जो eastern most states हैं इंडिया के, वो क्या है? कर्नाटका और केरला, और बस इन्हीं तीन स्टेट से कावेरी रिवर गुजरती है. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, नाउ रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वॉटरफॉल इन इंडिया, द जॉग फॉल. ओके, द जॉग फॉल, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम इट सप्लाइज टू मैसूर, बेंगलोर एंड द कोलार गोल्ड फील्ड. ओके, सो वेयर आर कोलार गोल्ड फील्ड? दे आर इन कर्नाटका. एंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है रिवर कावेरी से,
वो कहाँ पर कहाँ का मैसूर, बेंगलोर एंड कोलार गोल्ड फील्ड को सप्लाई होती है. ओके और यहाँ पर आपको सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, दैट इज जॉग फॉल. सो लेट्स हैव अ लुक एट द बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया. सो इट इज केम्प्टी फॉल. अपार्ट फ्रॉम दीज विच इज इन उत्तराखंड. ओके अपार्ट फ्रॉम दीज सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोज टूवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज दामोदर, ब्राह्मणी, बेतारनी, सुबर्ण रेखा एक्सेट्रा. सुबर्ण रेखा दैट विच ड्रेन्स द छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन. ओके सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. देर अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सम स्मॉलर पेनिनसुलर रिवर्स ऑल्सो, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी एंड बेतारनी, सुबर्ण रेखा एक्सेट्रा. ओके सो वी हैव स्टडीड एंड वी हैव अंडरस्टूड द सैलियंट फीचर ऑफ सम ऑफ दीज पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि महानदी, तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. हमने ये देखा कि कुछ ईस्ट फ्लोइंग है और कुछ वेस्ट फ्लोइंग है. ओके हमने ये भी देखा कि कुछ वेस्टर्न घाट से निकलकर वेस्टर्न साइड में, अरबियन साइड में ड्रेन हो जाती हैं, जैसे कि भरतपुजा एंड पेरियार रिवर एटसेट्रा. ओके सो एक बार हम लोग जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं लेक की. सो व्हाट इज अ लेक? अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विच इज लार्जर एंड डीपर देन अ पॉन्ड. सो पॉन्ड से लार्ज और थोड़ी सी बड़ी होती है लेक, और लेक के चारों तरफ लैंड होती है. ओके सो इट इज अ इनलैंड वाटर बॉडी. व्हाट? लेक. ओके सो लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद इन अ बॉडी ऑफ लैंड. एज अ लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओशन, इट इज नॉट अ सी. ओके काफी लोगों ने पुराने टाइम्स में, कुछ लेक ऐसे भी थे जो बहुत बड़े बड़े थे. ओके तो काफी लोगों ने लेक को सी भी समझा, बट सी में क्या सी और लेक में क्या डिफरेंस है? लेक इज अ एक इनलैंड वाटर बॉडी है, लेकिन जो सी है दैट इज कनेक्टेड टू द ओशन. यू गॉट इट? सो एज अ लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओशन, इट इज नॉट अ सी. सम लेक्स आर वेरी बिग एंड पीपल इन द पास्ट समटाइम्स कॉल देम सीज, इतने बिग होते थे वो. ओके सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. लेक्स डू नॉट फ्लो लाइक रिवर. वो जिस तरह रिवर फ्लो करती है, लेक वैसे नहीं होता है. लेक में पानी स्टिल होता है. हाँ लेकिन लेक के साइजेस और जो सीजनल वेरिएशन होता है वो लेक में देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल जब बारिशें होती हैं तो कुछ लेक्स में पानी काफी ज्यादा भर जाता है, और फिर जब बिना बारिश वाला सीजन होता है तो उसमें क्या होता है, जो लेक्स हो जाते हैं, लेक होते हैं, वो ड्राई आउट हो जाते हैं. ओके सो बट मेनी हैव रिवर्स फ्लोइंग इनटू एंड आउट ऑफ देम, और लेक्स में काफी सारी रिवर फ्लो इनटू एंड आउट, यानी कि फ्लो रिवर से लेक्स को पानी भी मिलता है. ओके नाउ जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हैज मेनी लेक्स. ओके विद डिफरेंट साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक. नाउ लेट्स हैव अ लुक जल्दी से. सम लेक्स आर परमानेंट एंड सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन. सो ये हमने बिल्कुल अभी देखा कि कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और कुछ में पानी तभी देखने को मिलता है कि जब रेनी सीजन होते हैं. क्या इसका मतलब है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं होता, या बिल्कुल एक बड़ा सा डिप्रेशन होता है? नो, बल्कि इसका मतलब है कि जो पानी का लेवल है वो काफी नीचे चला जाता है जब रेनी सीजन नहीं होता, और रेनी सीजन में वो पानी रिचार्ज हो जाता है. यू गॉट इट? नाउ सम लेक्स फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियर एंड आइस शीट. कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जो ग्लेशियर्स और आइस शीट से फॉर्म होते हैं, यानी कि हम बात करेंगे टार्न लेक की. TARN टार्न, ये एक एग्जाम्पल है. जब माउंटेन में से ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं तो वो एक छोटे से फुटहिल पर छोटी सी लेक बन जाती है, जहां पर वो मेल्टेड पानी एक्यूमुलेट होता है, और हम उसको क्या बोलते हैं? टार्न लेक. ओके TARN. नाउ मीएंडरिंग रिवर्स आल्सो फॉर्म ऑक्सबो लेक. हमने अभी देखा कि मीएंडरिंग रिवर्स क्या होती है. मीएंडरिंग रिवर्स लाइक दिस. ओके जस्ट फॉर योर रिकैप. ओके तो जब ये अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं तो यहां पर क्या बच जाता है? ये वाला पोर्शन. ओके सो ये क्या बनाती है? ऑक्सबो लेक. यहां पर भी फिर ऑक्सबो लेक बन जाती है जब ये मेन रिवर से कट ऑफ हो जाता है. नाउ स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म्स लगून इन द कोस्टल एरिया. एग्जाम्पल चिलिका लेक, पुलिकत लेक एंड कोलुरु लेक. अब स्पिट्स एंड बार्स क्या होते हैं? जो वेव्स होती हैं या टाइडल एक्टिविटी की वजह से जो कोस्टल एरिया होता है
वहां पर सैंड का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये एक डिपोजिशनल एक्टिविटी है, स्पिट एंड बार्स। तो इनमें डिफरेंस ये है कि बार मीन्स द बार, ओके, द सैंड बार। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिट? स्पिट इज समथिंग दैट इज अटैच एंड कीड, ओके, यहां लैंड से, ओके। सो दिस इज अ बैरियर स्पिट एंड दिस इज अ एंड दिस वन इज अ बैरियर बार, ओके। तो अब इनसे क्या बनती है? स्पिट एंड बार्स से इनसे बनती है लगून्स, ओके। लगून किस तरह बनते हैं कि जब यहां पर सैंड एक्यूमुलेट हो जाता है, यहां से बार आ जाता है, तो क्या होता है, यहां पर एक लेक बन जाती है ना, जो कि मेन ओशन से कट ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बार आ गया, ओके। तो हम इस तरह की लेक को क्या बोलते हैं? लगून, ओके। और ये कहां पर बनती है? जो शोर है या पे कोस्ट है वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो हमने तीन तरह की लेक्स देखी, टान लेक, ऑक्सबो लेक और स्पिट्स एंड बार, राइट। एक तो बनती है प्लेन्स में, एक बनती है ग्लेशियर में और एक बनती है कोस्टल एरियाज के पास, ओके। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। लेक्स इन द इनलैंड ड्रेनेज रीजन आर ऑफन सीजनल। सीजनल का क्या मतलब है कि उनमें तभी पानी देखने को मिलता है जब रेनी सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सांभर लेक इन राजस्थान, ओके। सांभर लेक जो है उसको सॉल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर काफी नमक की पैदावार होती है एंड वी कैन सी लॉट्स ऑफ नमक देयर, ओके। सो मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन की जो ज्यादातर लेक्स हैं वो क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। कुछ लेक ऐसी भी हैं जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है, जैसे कि वूलर लेक हो गई जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ओके। टेक्टोनिक एक्टिविटी या टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से, ओके। एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स इन द प्रीवियस चैप्टर, ओके। अब दो तरह की लेक्स होती हैं, हमने देखा सॉल्ट वाटर लेक्स एंड द फ्रेश वाटर लेक, ओके। सॉल्ट वाटर एंड द फ्रेश वाटर। तो सॉल्ट वाटर में हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा सांभर लेक, वेयर इट्स वाटर इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट, एंड चिलिका लेक विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक विच इज इन उड़ीसा। एंड देन फ्रेश वाटर लेक लाइक वूलर लेक, डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बारापानी, ओके, लोकताक विच इज इन मणिपुर, ओके। सो नैनीताल काफी लोगों ने विजिट भी किया होगा। तो वूलर लेक, डल लेक, दैट इज इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ओके। सो दीज आर फ्रेश वाटर लेक। नाउ अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक, ओके, देयर आर ह्यूमन मेड लेक्स एज वेल, ओके। अब ह्यूमन लेक, ह्यूमन मेड लेक का एग्जाम्पल है ग्रू गोबिंद सागर, वेयर भाकरा नंगाल प्रोजेक्ट इज इट इज देयर, ओके, विच सप्लाईज इलेक्ट्रिसिटी टू द नियर बाई एरियाज। सो डैमिंग ऑफ रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, जब डैम कर लेते हैं तो वो लेक बन जाती है, ओके। जब डैम कर लेते हैं तो वो एरिया अलग हो जाता है रिवर से और वो क्या हो जाता है? डैम लेक बन जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है गुरु गोबिंद सागर, जहां पर भाकरा नंगाल प्रोजेक्ट है, ओके। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड लेक्स। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक। लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर, ओके। ड्यूरिंग हैवी रेन्स दीज लेक्स प्रिवेंट फ्लडिंग। तो लेक अपने आप अपने अंदर पानी कुछ ले लेती हैं, तो इस वजह से जो फ्लडिंग होती है वो किसी हद तक, किसी एक्सटेंट तक कंट्रोल हो जाती है। एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज लेक्स हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, ओके। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिवेलपिंग हाइडल पावर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा इस केस में गुरु गोबिंद सागर। एंड लेक मॉडरेट द सराउंडिंग क्लाइमेट, मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेचुरल ब्यूटी, प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड पिक्चरिस्क व्यूज, ओके। फॉर एग्जाम्पल डल लेक लाइक शिकाराज देयर, and what else, there are lots of lake like Wooler lake, fresh Wooler lake is the largest freshwater lake, okay. Now role of river in the economy, okay. Rivers have been of fundamental importance throughout human history and you need to understand what the role does rivers play in the economy and
वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल सोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. और आपको पता है कि नदर्न प्लेन इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है. वाई? बिकॉज द रिवर्स देयर आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर द इरीगेशन पर्पज. ओके, रिवर्स आर यूज फॉर इरीगेशन, नेविगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन एटसेट्रा. अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर पॉल्यूशन के बारे में. जल्दी से लेट्स हैव अ लुक. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू टू ब्यूटिफुल पिक्चर्स. कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज? यू कैन सी द सीरीन पीसफुल काम रिवर विद ब्लू वाटर. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर पिक्चर. ओके, सो यू कैन सी लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन हेयर. आप यहाँ पे कूड़ा करकट देख सकते हो. सो यू कैन, व्हाट इज द कंक्लूशन? ये भी इंडियन रिवर है, राइट? ये भी एक इंडियन रिवर है और ये भी एक इंडियन रिवर है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट, दीज टू पिक्चर्स. सो तो जो ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल डिमांड है वाटर के लिए, वो रिवर की क्वालिटी को काफी अफेक्ट कर रहा है और डिटेरियोरेट कर रहा है. ओके, डिप्लीट कर रहा है, ठीक है. तो ये जो ओनस है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो चैलेंज है रिवर्स को साफ रखने का, ये हम लोगों के ऊपर आता है कि हमें, वी नीड टू मेक आर रिवर्स क्लीन इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ये जो ओनस है अपनी रिवर्स को क्लीन रखने का, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे ऊपर आता है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम ही हैं जो रिवर से फायदा उठाते हैं और हम ही हैं जिनको रिवर से एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस होते हैं. ओके, सो कंसर्न्स ओवर राइजिंग रिवर पॉल्यूशन लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर. फॉर एग्जाम्पल द गंगा एक्शन प्लान. और गंगा एक्शन प्लान के बारे में आपको पढ़ना है और अपने जो भी नोट्स हैं उनमें नोट डाउन करना है. ओके, तो ये हमने पढ़ा. यहाँ पे हमने इंडिया की वेरियस जो रिवर सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ा. वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, दो रिवर सिस्टम जो कि इंडिया में है, दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. हिमालयन में हमने पढ़ा देर आर थ्री रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. पेनिनसुलर में हमने पढ़ा देर आर मैनी रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तापी एंड नर्मदा एटसेट्रा. ओके, सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द लर्निंग. And I hope you are making notes. So, thank you.